हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल धवनिल वंस अगेन एंड आता हूं मैं स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में द धवनिल लाइफ के। तो आज है बीट स्ट्रीट का डे 2 एंड आज मेरे साथ मेरे दो दोस्त आए हुए हैं। वो लोग मुझे वही देख रहे हैं अभी, बट कोई बात नहीं, तुम लोग एक को जानते होगे। तो अभी मंदीप और मारवाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, अभी थोड़ी बहुत बारिश स्टार्ट हो चुकी है भैया, पॉज लिया है 2 मिनट का उन्होंने, बैक वैक खराब ना हो जाए। यही थे मेरे दोस्त जो आए हुए थे। बाकी आज चैंडलर का भी है और अच्छा खासा लाइनअप है आज GHETTOVERSE के स्टेज पे भी। अभी तो मेन स्टेज का आ रखा है क्योंकि वो पॉज हो चुका है, वहाँ पे शेड वगैरह कुछ भी नहीं है। और बाकी कैसे स्टार्ट होगा, बारिश तेज हो चुकी है, जैसे बाकी एक्ट स्टार्ट होते हैं मैं तुम्हें सीधा रिकॉर्ड करके उनकी क्लिप्स बना के लिटरली ब्लॉग में डालने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। I don't know, for real. मुझे ना पता है जाना किस मकाम पे, मिलते मौका दे कभी ना हाथ बांधे, मेरी बात की तू पावे गांठ बांध ले, साल बुरे करूं पिछले सालों के हिसाब। बोलूं राम या रहीम, बोलूं राम या रहीम, बोलूं राम या रहीम, बोलूं राम या रहीम, मेरी कामना यही है मुझे थामना नहीं है, यहाँ पे खेल बाजुओं में बेटे दम का नहीं है, मुझे शंका नहीं है जिसकी सम की कला वैसा सबका नहीं है। हर्षा तो आए ऐसी पड़ी है के जाना साटा, हर्षा से मोड़ा है गदा, आदता खराब सानू मूड़ा ना ले ओ नहीं जी अपे पे जा। शायर बदनाम शायर मैं हम पर शायर राम ना, मेरी तरह गाने में बोल सजा और उनको भी ना उन लिबास या। तो भाई जैसे अभी अभी GHETTOVERSE के स्टेज से आया, बारिश रुक चुकी है और दोबारा से सब कुछ स्टार्ट हो गया है। संदीप और मार्ग ने पूरा बजा के रख दिया भाई फिर से, अब मेन स्टेज पर जा रहा है। मेन स्टेज पे भी ज्यादा आर्टिस्ट है और अभी से स्टार्ट हो गया उनका लाइनअप, चल के देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। भाई वो है विली विलियम्स, तो स्टे ट्यून्ड, विली विलियम्स रात के 10 बजे हम रुकेंगे, आप लोगों को मजा आ गया ब्लॉग देख के जरूर। वो मंजिल नारको नारको नारको, हम छूले तारको तारको तारको, वो मंजिल नारको नारको नारको, ये जिंदगी क्या मैं जी रहा हूँ या जी है वो मुझसे ही, ये जो रचना जिसको देखूं मैं, क्या देखूं मैं खुद को ही, तरीके इस तरीके पहले जो सीखे थे, तरीके इस तरीके उनको भुला दो ना। Fucking noise for yourself. Who's in game? 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 जैसे लगे ना
करना में हम कर दे कक्षा ये है नाम से धन्य धागे हम सुन चले में कैसे आगे सारे के सारे भागे होठों से काटे मारे चाटो को काटा मारे होठों से काटे पानी ला के दो बहों का पानी दो बटुए बाट लो खून है खोलता मेरी बंदी दे के इसके बोनर वाला खून बोनर वाला खून बोनर वाला खून वाला खून बोनर वाला खून बोनर वाला खून खून है खोलता मेरे बंदी दे के इसके बोनर वाला खून बोनर वाला खून बोनर वाला खून बोनर वाला खून ए ए नहीं मेरा भाई सुबह लाइसेंस बंदी चटक लेरी वालों के लिए आई फील कुछ अब प्रोडक्ट आई डील रैप देसी कटे पे चले बिना लाइसेंस लिख करा करा कान बाइट बाइट टाइसन Just to brought up my horizon and saw some shit that made me suicidal. Inside me, the eye made a joke. Come here, 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 चाहे
हे गाइस, आज है बीट स्ट्रीट का डे 3, बट ये वीडियो है डे 2 की, क्योंकि कल रात में 10 बजे इवेंट खत्म हुआ था और उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया था, क्योंकि मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था और क्या बोलूँ, गाड़ी का जो चार्जर था, जो वायर थी, वो भी काम नहीं कर रही थी कल, तो इसलिए डे 2 की क्लिप्स बहुत कम है। एंड ऊपर से मैं थोड़ा सा इन्जॉय करने गया था डे 2, सीरियसली विली विलियम्स के लिए गया था, बट वहाँ जाके मुझे पता चला भाई विली विलियम्स है ही नहीं। 9:15 बज गए, अनुव जैन आ गया, उससे पहले जेडन करके चला गया परफॉर्म, देन उससे पहले लीजा परफॉर्म करके चली गई, बट मैं जिस बंदे के लिए गया था विली विलियम्स भाई, वो तो आया ही नहीं। सेम चीज़ डे 1 पे हुई, मैं डिनो जेम्स के लिए गया था एंड डिनो जेम्स को सिर्फ 2 ही गाने गाने को दिए। या मतलब यार, इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हो, आपने लाइनअप निकाल रखा है कि भाई 26, 27, 28 को यही आर्टिस्ट आएंगे, एंड उसके बावजूद भी आपका मेन हेडलाइनर ही नहीं आया, बताओ। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगा मुझे। और बाकी आर्टिस्ट भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे साउंड चेक के लिए, भाई आप देख लो स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और भाई जब चेंज ओवर हो रहा था, ये दिक्कत हर आर्टिस्ट को ही फेस करनी पड़ रही थी, और जो व्यूवर्स थे, जो फैंस थे, जो देखने के लिए आए थे, उनको भी बहुत अजीब सा लग रहा था कि मतलब यार सनबर्न देखा है। बाकी एक शो था, डिप्लो आया था उसमें दिल्ली में, JLN पे सेम मेन्यू पे हुआ था, जोमालैंड हुआ। भाई आज तक मैंने ऐसा कोई इवेंट नहीं देखा जहाँ पे आर्टिस्ट को इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही हो मैनेजमेंट को या फिर स्टाफ को कि भैया प्लीज़ साउंड चेक कर लो, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, बार बार सेम इश्यूज आए जा रहे हैं, उनको रिजॉल्व ढंग से प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगा मुझे इवेंट का। बाकी तो नो डाउट गेटओवर्स तो अपना भाई 100% बेस्ट ही दिया था कल। भाई बुर्रा आया, बुर्रा जो लोग नहीं जानते बुर्रा को, बुर्रा का गुरबक्स के साथ ब्लिस करके गाना आया, एंड भाई वो वाइब है, कैची वाइब है। फिर उसके बाद अर्पित बाला, बप्पा, टोटली फुसी गैंग, और फिर VRFX जो डे 3 परफॉर्म करने वाले हैं, उन्होंने अपने एक एल्बम का ट्रैक कल ऑलरेडी पब्लिक के सामने करा था, जो बहुत अच्छा था। बाकी तो चलो, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी डे 3 में अब तुम्हें लेके चलूंगा, तो स्टे ट्यून एंड स्टे अपडेटेड फॉर माई न्यू वीडियोज़। और डे 3 के लिए अगले ब्लॉग पे जाना।